इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि विंडोज में अगर आपने कोई फाइल सर्च करनी हो तो उसका क्या तरीका होगा। तो विंडोज में फाइल सर्च करने के लिए हमारे पास जो एक तरीका ये है कि आपने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है और उसमें जो सर्च बार है वहां पे आप अपनी जो भी फाइल आपने सर्च करनी है उसको आप टाइप करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे अगर आपने कोई भी फाइल सर्च करनी है या आप किसी भी फाइल तक एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको टाइप करेंगे तो वो फाइल आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि आप देखें यहाँ पे हमने एक फाइल रखी है 1234 के नाम से और जैसे ही मैंने 123 टाइप किया तो ये फाइल हमारे सामने आ गई और उसके साथ साथ ये इसकी कैटेगरी भी बताएगा कि ये फाइल जो है इसका ताल्लुक डॉक्यूमेंट से है और इसी फाइल इसी कीवर्ड का जो नाम आया है वो इसके अंदर आया है, ये फाइल वीडियोस से है और यही 123 का जो वर्ड है ये हमारी पिक्चर्स जो है वहाँ पे पिक्चर्स एंड वीडियोस जो है वहाँ पे भी ये 123 का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो एक तो ये तरीका है आपके पास फाइल सर्च करने का। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आपने क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से विंडोज की प्रेस करनी है और उसके साथ एफ प्रेस करना है, एक शॉर्टकट की है, जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो एकदम से सर्च विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें विंडोज की किसे कहते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है ये काम हम इससे करके देखते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में आपको यहाँ पे एक बटन नजर आ रहा है विंडोज का, इसको आप प्रेस करेंगे और इसके साथ आपने क्या करना है कि एक और बटन प्रेस करना है एफ। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे इन दोनों बटन को एक साथ आपने प्रेस करना है तो आपके सामने यहाँ पे सर्च विंडो ओपन हो जाएगी। इस सर्च विंडो में आप एक सर्च बॉक्स में आप जो भी फाइल सर्च करना चाहें आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो फाइल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने 123 सर्च किया तो वो फाइल जो कि हमने सर्च करनी थी वो हमारे सामने आ चुकी है। तो ये एक तरीका है आपके पास फाइल सर्च करने का, ये पूरे कंप्यूटर में सर्च करेगा, जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं तमाम में उसके रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। और उसके साथ यहाँ पे इसका एक प्रीव्यू पेन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल है उसका प्रीव्यू यहाँ पे आप उसको देख भी सकेंगे। तो एक तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है लाइब्रेरीज का। विंडोज 7 आपको एक यहाँ पे एक फैसिलिटी देता है लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी जो है दरअसल हमारे पास एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर चार कैटेगरीज के अंदर फाइल डिवाइडेड हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड वीडियोस। तो आप जो भी आपकी पिक्चर्स हैं या जो भी वीडियोस हैं आप डायरेक्टली यहाँ पे उनको ऐड कर सकते हैं और जितनी भी आपकी म्यूजिक फाइल है उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट जो है उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जिस वक्त भी आपने कोई फाइल एक्सेस करनी हो तो आप सिंपल लाइब्रेरी की लाइब्रेरीज में जाएंगे और यहाँ पे उस कैटेगरी से मुतालिक वहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपनी उस फाइल को सर्च करेंगे और आपकी फाइल आपके सामने आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे सर्च किया लेकिन यहाँ पे फाइल मौजूद नहीं थी तो यहाँ पे उसने लिख दिया कि नो एटम्स मैच योर सर्च। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि हमने अपनी विंडोज 7 में अगर कोई भी फाइल सर्च करनी हो तो वो हम किस तरह से करेंगे।